नहीं, मुझे लगता है कि वो हारिस राउफ और नसीम शाह का रिस्क नहीं ले सकते बॉस। आप मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी होगी इन कंडीशंस में अगर आप निगल के साथ फास्ट बॉलर का रिस्क लेते हैं, देखते हुए कि वर्ल्ड कप इस राउंड के कॉर्नर। मुझे तो इन दोनों का बड़ा मुश्किल लगता है। आई डोंट थिंक कि कोई चांस होना चाहिए, उनकी रिप्लेसमेंट आ गई है। सवाल ये है कि इन विकेटों पे मतलब आप लेकिन मतलब जो पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच में विकेट गिनी थी और जिस मैच में इंडिया ने श्रीलंका को खेला उस विकेट में भी जमीन आसमान का फर्क। आपने कल का अगर विकेट देखा होगा वो ऐसा विकेट था जैसे यू नो आप नोएडा में किसी स्टेडियम में खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, जहां पे मट्टी कुछ इस तरह की होती है कि वो गेंद नीचे 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 रहती है। कल आपने देखा बॉल कितना घूम रहा था, रात को भी घूम रहा था। फास्ट बॉलर का अंडर फ्लडलाइट एक नई चीज देखने में मिली है यहाँ पे, फ्लडलाइट पे फास्ट बॉलर ज्यादा तंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की दिक्कत है कि स्पिनर्स कौन से खिलाए जाए। अपना अटैकिंग स्पिनर्स वाली ऑप्शन कहाँ है जो श्रीलंका के पास है, जो कुलदीप यादव ने यहाँ पे किया है। शादाब को विकेटें नहीं मिल रही है, शादाब बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइन डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए जैसे मैंने कहा चैलेंज टू फोल्ड, एक ये कि आप 11 खिलाएं, 11 कौन सी खिलाएं, मतलब फिट 11 और कौन सी 11, और उसके बाद यार आपको बैटिंग भी तो करनी होगी। जिस तरह वो इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, बात क्या होती है कि इंडिया के भी 68 पर 4 हो गए थे बट इंडिया ने उसके बाद बाउंस बैक कर लिया था उस मैच में। लेकिन यार जब 11 ओवर में इनके 47 या कुछ थे, जब पहली बरसात आई है और हम बात कर रहे थे ना कि 20 ओवर मिनिमम में क्या लुइस का रहेगा, यार इन्होंने 9 ओवर में कोशिश ही नहीं की उन रनों के लिए। मतलब 9 ओवर में ऐसा लग रहा था कि वो ये सोच रहे हैं 9 में 10 रन ही बना देते। कोई भी टीम होती है चांस होती है, टीम कहती है चलो मारते हैं कोशिश तो करें, मगर जमान इतने यार मतलब तजुर्बेकार खिलाड़ी, मैंने तो नहीं एक्सपेक्ट किया था उनसे। बाबर तो चलो जल्दी आउट हो गए, रिजवान जल्दी आउट हो गए, तो पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल होगा। जैसे मैंने कहा यार श्रीलंका को ना इन कंडीशंस में थोड़ा एडवांटेज रहता है। द ओनली थिंग दैट गोज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इज कि उनके लिए ये कंडीशंस एलियन नहीं। वो पहले यहाँ पे टेस्ट सीरीज खेले, फिर वो लंका प्रीमियर लीग उनके तान भी खेले, फिर वो अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे 3 वनडे मैचेस खेल के गए, तो ये उनके लिए एक छोटी सी ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सर अब पाकिस्तान की जैसे 11 एक होते हैं एक दिन पहले हमेशा दे देते हैं, अब आपको ये दिख रहा है कि दो खिलाड़ी उनके नहीं है, मतलब जो नजर आ रहा साफ साफ कि दो खिलाड़ी आपके फोर्स शायद बाहर हो जाएंगे, तो आप प्लेइंग 11 कैसे देख रहे हो, उनकी प्लेइंग 11 में क्या इंक्लूड करना चाहते हो आप, मतलब क्या नवाज का ऑप्शन वहां पर कि फहीम को रख रहा पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर नसीम और हारिस उनकी प्रैक्टिस 5 बजे शुरू होनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर में होगी, उसके बाद वो अपनी 11 कर दें, बट 4 फास्ट बॉलर तो नहीं ही खिलाएंगे ये। अब पता चला जी विकेट भी कल चेंज हो गई, लेकिन श्रीलंका उसी तरह की विकेट पे इनको देगा जिस तरह की विकेट पे कल इंडिया को दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है नवाज को खिलाना पड़ेगा, उसामा मीर को खिलाने के लिए आप जा सकते हैं, हो सकता है कि आगा सलमान भी रहते, तो आपके लिए दिक्कत अब ये है कि आगा सलमान को भी तो चोट लगी हुई है ना। 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर आई थिंक आइडियली। बट सर पाकिस्तान की अगर ताकत की बात करें तो इनका पेस अटैक ही इनकी ताकत रहा है, तो आपको नहीं लगता कि पेस के साथ ही ये रिलाई करेंगे, वसीम जूनियर को डालेंगे या फिर मतलब उस तरह का कॉम्बिनेशन सेट करेंगे कि पेस पे ही ज्यादा रिलाई डालना ही चाहिए, टीम जूनियर को तो डालना ही पड़ेगा ना। अगर नसीम शाह और हारिस राउत दोनों बाहर हो जाएंगे तो भाई वसीम जूनियर ही तो बाहर बैठे हुए, वसीम जूनियर अगर अंदर आ जाते हैं और शाहिन शाह अफरीदी भी खेलते हैं और तीसरा इनके पास धवानी का मुझे नहीं पता वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बट इवन अगर वो आगा सलमान वाला स्लॉट खुल भी रहेगा उनको चोट है नहीं है, बट उसके बावजूद एक लगातार हम डिस्कशन ये कर रहे थे इवन रिजवान भी नंबर 4 पर खेलते हैं उतना वहां पर उस तरीके से वो भरोसा नहीं दे पाते कभी कभी, तो जो सौद शकील इनके पास एक स्पेशलिस्ट बैटर हैं जिन्होंने भी अच्छा भी किया था इस सीरीज में, और उनको वो पहले तक इनके वर्ल्ड कप स्क्वाड और उस तरीके से स्क्वाड में नहीं थे एशिया कप के, उनको लास्ट मैच में खिलाया था अफगानिस्तान वाले और फिर स्ट्रेट अवे आपने ड्राफ्ट कर दिया था अंदर, तो शायद एक वो उनका भी कहीं ना कहीं मन में था कि बैटिंग वाइज हमें जरूरत पड़ सकती है, और लेफ्ट हैंडर भी हैं अगर हम बात करें बल्ला लगे पर भी एक स्पॉटलाइट रहेगी अब, क्योंकि मेरे ख्याल रिजवान 5 पे खेलेंगे यहाँ पे, शायद सौद शकील आपके नंबर 4 पे, मैं एक बड़ा
आंकड़ा देख रहा था, एक स्टैंड देख रहा था, शायद 2019 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की किसी नंबर चार का शौ नहीं है। अगर ये सही है तो यार ये तो बहुत बड़ा मिसिंग मूव है। रिजवान आई थिंक 5 और सौ चकी आई थिंक 4 हो सकते हैं। बात तो फिर बाबर पे आ जाती है ना, नाराजगी शायद जता रही थी कि भैया मुझे तो 4 खिलाओ, ऐसा कुछ हुआ था जहां तक मुझे मतलब जो यार रिजवान भी आई थिंक 2015-16 से खेल रहे, मतलब ये है कि बीच में ड्रॉप भी हुए थे वो, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में वो आ चुके बट अभी है ना कि जैसे सर भी जो कह रहे हैं जय भाई, इवन बाबर का भी जो हम भी डिस्कस करते हैं, नो डाउट कल ऐसा नहीं कि ये इंडिया वाला मैच उनका, बट श्रीलंका जिस तरीके से है और बाबर ने तो इतना कहा, उन्होंने लंका प्रीमियर लीग किस लिए खेली थी जो उन्होंने अपने फादर के साथ डिस्कशन वाली बात उनके फादर ने बताई। जी सर बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात सुन रहा था। तो वो मैं कह रहा हूँ बाबर के लिए भी फिर ये है ना कि अब तो वो है कि ठीक है नेपाल के साथ आपने 150 किया, बट आज आपकी टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरत है आपके रन्स की। और फिर कहीं ना कहीं आप ये भी बोलोगे यार कि चलो पिछले में भी अच्छी इनिंग्स आ गई है, टूर्नामेंट में मिलाकर 200 है, एक नेपाल है, एक श्रीलंका है, जहां पर इंडिया को भी तो प्रॉब्लम रही थी। बट मनोज वही चीज है ना कि बाबर जिस तरह के मतलब अभी जिस तरह के उनकी फॉर्म चल रही है, बड़ी टीमों के खिलाफ रन तो नहीं आ रहे, साथ ही साथ उनके सामने दिक्कत होगी विलालगे की। आप देखो कुलदीप यादव के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है कि भाई कुलदीप के सामने आते ही वो मतलब बिल्कुल फंस से जाते हैं, तो वो चीज अब श्रीलंका यूज करेगा विलालगे को लेके, तो उस तरह की चीजें अब देखने होगी। अब यहाँ है बड़ा मुकाबला होगा एक तरह से फाइनल के लिए टिकट की बात होगी, तो अगर इस मुकाबले में वो अच्छा करते हैं तो फिर वो वही बात है ना जो हम बाबर से उम्मीद करते हैं कि बड़े मैच में आप आके परफॉर्म करिए, तो श्रीलंका वाला मुकाबला वो उस तरीके से रहेगा। एशिया कप का है ना, 24 घंटे पहले टीम डिक्लेयर करती है और ये नहीं पता होता है कि उनकी 11 क्या बनेगी, तो थोड़ी बात है कि बनेगी, नो डाउट सबको पता है सबसे कमजोर टीम मानी गई थी बोलिंग शुरुआत में, पर देखो उन्होंने उसी को अपनी ताकत भी बनाया, दिल लालगे ने आके जो किया, किचड़ा जो कर रहे हैं, डिसल्वा भी जो कर देते काम, मतलब आप उनके पथराना ने जो पेस अटैक से किया, वो जो रजित है आप थोड़ा वो कह सकते हो कि कमजोर कड़ी लगते हैं, पर कहीं ना कहीं बोलर्स बाकी जो है वो करके दे देते हैं, इवन शराका। तो पाकिस्तान के पास भी यार देखो आज से तो यार नहीं, बोलिंग में तो नहीं, बोलिंग में तो बोलिंग में क्या, बट देखो पिछले मैच में नहीं तो उससे पहले वाले मैच में अच्छी बॉल डाली थी दोनों ने, आज चाहे कसुंदर जीता हो या फिर पाकिस्तान के पास भी ना एटलीस्ट एक चीज शायद ये अच्छा भी है, मतलब इंजरी कई बंदा लोगों को खराब भी लगती है, आपका पेस अटैक है, बट शायद ना नवाज को खिलाओ आप, चल आपको तो आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और रखना भी पड़ेगा। अब जो प्लेयर अच्छा है, दूसरा सवाल ये जो पेचीदा थोड़ा सा हो जाता है, जैसे सर ने भी बात करी थी उसामा मीर को लेकर, उसामा मीर उनकी ज्यादा एक अटैकिंग विकेट टेकिंग ऑप्शन है, नवाज से आप क्या है कि बैटिंग भी मिल जाएगी बोलिंग भी, उसामा बैटिंग भी कर लेते हैं ही, पर आपको ये पता होना चाहिए कि नवाज ने मतलब एक होता है ना कि बड़े मैच में, एक इंडिया का एशिया कप का पिछला मैच भी था, उनको अपफ्रंट भेजा गया था, उन्होंने 20 गेंद पे 40 भी मारा, नवाज बड़े दिन का बड़ा कैरेक्टर है।